करेंगे ओरेलिया के बारे में। ओरेलिया जो एक जेलीफिश के नाम से जाने जाने वाला जीव है उसकी चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी जो है वो प्रेजेंट हो जाएं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सभी प्रेजेंट हो जाएं। चलिए आ जाइए भाई सभी। संख्या नहीं दिखाई दे रही मुझे। ओरेलिया पे चर्चा करेंगे, ये मैं मिटा देती हूँ। इससे पहले लेसन में मैंने साइकोन की चर्चा की थी। ठीक है, साइकोन की चर्चा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। साइकोन पूरा एक बड़ा जीव है जिसपे बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी सभी विद्यार्थी प्रेजेंट हो जाएं, अपने साइकोन की चर्चा कंप्लीट करने के बाद में हम ओरेलिया का जिक्र करेंगे। और मेरा दावा है कि आप गौर से सुनोगे तो आपको पूरा ओरेलिया सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाएगा। निशा सोनी स्वागत है अभी बच्चे आपका। सभी प्रेजेंट हो जाए, ओरेलिया एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवाऊंगी, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मात्र कम से कम आपका समय जितना लगेगा उतना प्रॉपर लगेगा, लेकिन उसमें टॉपिक आपका एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप प्रेजेंट हो जाए बस। ठीक है, सभी विद्यार्थी प्रेजेंट हो गए। चर्चा करेंगे हम एक जीव जिसका नाम है ओरिलिया। चर्चा करेंगे हम जिस जीव के बारे में, उसका नाम है ओरिलिया। ओरिलिया वह जीव है जिसको जेलीफिश भी कहा जाता है। ओरिलिया वह जीव है जिसको जेलीफिश भी कहा जाता है। बिल्कुल लगन शर्मा, हाँ इसको क्या कहा जाता है, जेलीफिश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बीच में एक परत पाई जाती है, बीच में एक परत पाई जाती है जिसको मीजोगलिया कहा जाता है, जो इसको कोमल जेली के समान बनाती है। गुड आफ्टरनून यशोदा कुमारी। कोमल जेली के समान बनाती है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, जेली फिश कहा जाता है। इसका जो नया नाम निकल कर सामने आया वो आप याद रखोगे, मीजोगलिया। ठीक है, इस नाम को ध्यान रखोगे, मीजोगलिया को ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, इस जीव को एक अन्य नाम भी दिया गया है जिसका नाम है मून जेली। कौन सी जेली? मून जेली या चंद्रमा जेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मून जेली या चंद्रमा जेली के नाम से भी इस जीव को जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो चंद्रमा के समान, इसकी आकृति जो होती है वो चंद्रमा के समान कुछ इस प्रकार की होती है। इस कारण इस जीव को मून जेली के नाम से भी जाना जाता है। ये जीव है मून जेली के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, मैं जीव बना रही हूं आपके सामने, आप इसको ध्यान देंगे कैसा जीव रहता है। ये इसमें चार क्या पाई जाती है? चार इसमें जनन ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जनन ग्रंथियां। इसकी आकृति मून चंद्रमा के समान होने के कारण इसको मून जेली भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा जैसी दिख रही है आपको या नहीं दिख रही? दिख रही है ना, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, मून जेली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी दो सतह होती है, एक सतह जो आपको इस तरह ऊपर दिखाई दे रही है, एक सतह जो आपको इस तरह नीचे दिखाई दे रही है। इस तरह इस जीव में दो सतह होती है। कितनी सतह होती है? दो सतह होती है। जो ऊपर वाली सतह होती है, जो ऊपर वाली सतह होती है उसको कहा जाता है बहिच्छत्रीय सतह। क्या कहा जाता है? बहिच्छत्रीय सतह, यानी कि छत्र के बाहर की सतह, बहिच्छत्रीय सतह, नाम याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिमुखीय, यहां मुख पाया जाता है, तो ये सतह कौन सी है? अभिमुखीय सतह। शब्दों पे गौर देना क्योंकि इस जीव की आकृति पूछी जाती है। ये सतह कौन सी है? अभिमुखीय सतह। कौन सी सतह? अभिमुखीय सतह। और ये सतह कौन सी है? वही क्षत्रिय सतह। और चार जो इसमें पाई जाती है घोड़े के नाल की आकृति हुई की, वो कौन सी होती है? जनन ग्रंथियां होती है। ठीक है, इस भुजा को मुख भुजाएं, ये जो भुजाएं पाई जाती है चार, 1 2 3 4, इन भुजाओं को मुख भुजाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख भुजाएं। ठीक है, दिख रहा है आपको, मुख भुजाएं इसमें चार पाई जाती है। ये इस प्राणी में क्या पाई जाती है? मुख भुजाएं पाई जाती है। मीजोगलिया या बीज की परत भी कह सकते हैं, ये जिलेटनी होती है।
जिलेटनी, ठीक है। इस कारण ये पदार्थ, ये जो जीव है वो जेली के समान दिखाई देता है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, जेली फिश कहा जाता है। अभी देखो ये यहाँ से मुख है और इससे कई अरिये नाले, इस तरह कोई नाल निकलती है, ठीक है, आपको याद रखना है। बाकी आपको डिटेल में जब सिस्टम पढ़ाऊंगी तो सारा समझ में आएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ये जीव रहता है जिसका नाम है ओरिलिया, ठीक है। अब सुनो बंदा, ओरिलिया का आकार तस्तरी के समान होता है, दिख रहा है तस्तरी के समान है, ओरिलिया का आकार तस्तरी के समान होता है, इसे जेली फिश भी कहा जाता है, ठीक है। एक्टोड्रम और एंडोड्रम, इसके बाहर होती है एक्टोड्रम और भीतर होती है एंडोड्रम, और बीच में होती है मीजोगलिया। बीच में क्या होती है, मीजोगलिया, बाहर एक्टोड्रम, बीच में मीजोगलिया, और उससे बाहर अंदर की ओर क्या होती है, एंडोड्रम होती है, ठीक है। देखिए ध्यान रखना, ये प्राणी अरीय सममिति का होता है, कौन सी सममिति का, अरीय सममिति का। जेली फिश जो होती है उसकी सममिति है अरीय होती है, क्योंकि जब हम विकास पढ़ते हैं ना तो हम ये मानते हैं कि अरीय सममिति वाले जीवों से, पहले जीव तो जो थे वो असममित अमीबा जैसे थे, फिर उनसे अरीय सममिति वाले जीवों का विकास हुआ, और उसके बाद में बाइलेटरल जीवों का विकास हुआ, द्विपार्श्व। अब द्विपार्श्व सममित इस तरह बीच में से बराबर रेखा में दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो वो द्विपार्श्व सममित जीव कहलाता है, जिसमें कॉर्डेट्स आते हैं, एनिलिडा के सदस्य आते हैं, बाइलेटरल निमेटोडा के सदस्य होते हैं, जिनको बीच में से बराबर भागों में काट सकते हैं वो बाइलेटरल होते हैं, और ये जो सममिति होती है वो अरीय सममिति होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, इस कारण ये रेडिएटा में आता है। किस में आता है, रेडिएटा में आता है, ठीक है। रेडिएटा जो इंटरनल, बहुत इंटरनल जाकर क्लासिफिकेशन करें तब इसकी रेडिएटा की बात की जाती है, ठीक है। सतह मैंने बता दी, एक बहिछत्रीय सतह और एक अभिमुखीय सतह। प्राणी जो होते हैं द्विजन स्तरीय होता है, गौर कीजिएगा मेरी बात को, गौर क्या करनी है कि बीच में मीजोगलिया उसकी बात नहीं करनी, वो परतों में नहीं गिना जाता, गिना जाता है तो परतों में एक्टोड्रम और एंडोड्रम। तो प्राणी जो होता है दो परतों वाला होता है, प्राणी कैसा होता है, दो परतों वाला होता है, द्विपरतीय शरीर जो है इसमें पाया जाता है। तो डिप्लोब्लास्टिक अरीय सममिति का प्राणी होता है ओरिलिया, डिप्लोब्लास्टिक द्विजन स्तरीय, एंडोड्रम और एक्टोड्रम, और सममिति अरीय सममिति वाला जीव होता है कौन सा, ओरिलिया। चलिए आगे बात करते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, इसमें चार जनन ग्रंथियां पाई जाती है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब इसमें प्रश्न आता है कि इसमें जल परिवहन का मार्ग बताएं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन नहीं बताया ना आपको, चलो मैं क्लासिफिकेशन बता देती हूँ आपको, जेलीफिश का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बता देती हूँ ताकि याद हो जाए। सुनो, बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन, बहुत ही सरल क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बहुत ही सरल है, संघ वर्ग गण वंश और जाति, कुल नहीं याद करना, ठीक है, इतना ही याद कर लेना, इतना ही याद करना है। अब सुनो, जो ट्रिक मैंने क्लास में बताई है वही ट्रिक यहां बताऊंगी, क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका होता है वो ये कहता है कि जो बात एक बार बताई जाती है वही बात अगर बार बार बताई जाए तो कंठस्थ हो जाती है, अपने को कंठस्थ ही करना है, इनवर्टिब्रेट सारा खेल कंठस्थ होने का है। जब आपके कंठस्थ याद हो जाएगी सारी चीजें बोलते ही, जैसे श्लोक याद नहीं होते क्या संस्कृत के हिंदी के, वैसे ही हमें क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा तो हमारा बेड़ा जो है वो बढ़िया तरीके से पार है, अच्छे तरीके से पार है, ठीक है। तो संघ होता है तीन से दो ऐसे, सबसे पहले बात ध्यान रखना, तीन से दो ऐसे, ये इसका वर्गीकरण है, तीन से दो ऐसे, कैसे, संघ हो गया सिलेंड्रेटा, वर्ग हो गया सीमियोस्टोमी, वर्ग हो गया, संघ हो गया कौन सा, सॉरी साइफोजोआ, फिर गण आएगा ना सीमियोस्टोमी, मैंने कंटिन्यू कर दिया, साइफोजोआ। देखो सिलेंड्रेटा है, और मैं बता दूं सिलेंड्रेटा को तीन क्लास में बांटा गया है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और तीसरी है एंथोजोआ, तीसरी है एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और तीसरी कौन सी है, एंथोजोआ। आपका सिर्फ सुन ले, जो विद्यार्थी यहां प्रेजेंट है वो सुनने मात्र, ओरिलिया दोबारा बैठने की आवश्यकता नहीं है,
और इसलिए मुझे सुनने से याद हो जाएगा। आप सुने, धैर्य रखें, बैठे रहें, आराम से सुनते रहें, जो चीज लिखने लायक लगे वो पेन चलाकर लिख लें, ठीक है। अब सुनो मेरी बात अच्छे तरीके से। तीन से से दो ऐसे, यहां मैं देख रही हूँ हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। तो से वाला साइफोजोआ ये वर्ग है, तीन सिलेंट्रेंटा के वर्ग है, से वाला है साइफोजोआ। तो इस साइफोजोआ वर्ग में कौन आता है? साइफोजोआ में आता है ओरेलिया। गण है इसका सीमियोस्टोमी। गण कौन सा है? सीमियोस्टोमी। और दो ऐसे, तीन से कंप्लीट हो गए, अब दो ऐसे ओरेलिया और दूसरा है फिर ओरिटा। ये हो गया क्लासिफिकेशन, कोई मुश्किल बात नहीं है। तीन से दो ऐसे सिलेंट्रेंटा, साइफोजोआ, सीमियोस्टोमी, ओरेलिया और ओरिटा। ये क्लासिफिकेशन होता है किसका? ओरेलिया का। चलिए आगे बात करते हैं। जेलीफिश कहा जाता है। दूसरा विद्यार्थी मैंने बताया इसको क्या कहा जाता है? मून जेली कहा जाता है। मून जेली कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनो, अब मेरी अगली बात सुनो कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर, ये प्रश्न बनता है। सर्कुलेशन ऑफ वाटर, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुनेंगे समझ में भी आएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा? सर्कुलेशन ऑफ वाटर, ओरिलिया में जल परिसंचरण को समझाएं। अब सुने मेरी बात, बहुत ही गौर करके सुने, मैं इंक डाल लेती हूँ, एक ही मिनट वेट करेंगे आप, ठीक है। आज देखो आपको फोन तो वैसे ही नहीं चलाना है, आज आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये वीडियो अगर पेपर के टाइम में कोई विद्यार्थी देख रहे तो भी वो क्या करेगा, तैयारी के मोटिव से देख रहा है, तो उसको फोन की सारी एमबी भले ही किसी इसमें जाए, पढ़ने वाले मैटर में जाए, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो विद्यार्थी आज देख रहा है, आज तारीख है कौन सी? 10 जनवरी 2021। और 10 जनवरी को जो विद्यार्थी दे रहा है वो शायद कल 11 तारीख को टेस्ट देगा, वो देख रहे हैं तो उसके वैसे ही दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको तो 11 तारीख को टेस्ट देना है, तो उसके मोबाइल की अगर एमबी जा रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको रात को फ्री टाइम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप आज एक महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हो, जिसमें आपकी एक किताब को आप किनारे लगा दोगे, आप एक किताब को पूर्णतः किनारे लगा दोगे, दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता आपको तभी पड़ेगी जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। एमबी लग रही है तो लगने दो, मेरी भी तो लग रही है, आपकी भी तो लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर का सर्कुलेशन कैसे होता है? देखो, ये प्राणी रहता है जल में, किसमें रहता है? जल में। तो सबसे पहले क्या होएगा इसमें? जल का सर्कुलेशन होएगा। कैसे होएगा? देखो, सबसे पहले इसके पक्षमाप गति करेंगे। पक्षमाप का मतलब ऐसा नहीं है, ये प्राणी जो मैंने बनाया था ना, इसके पैरों के साइड, ये जो मुख भुजाएं थी उसकी साइड में छोटे छोटे सीलिया सी पाई जाते हैं, वो गति करती रहती है और जल को अंदर लेती रहती है, उनकी बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो पक्षमाप गति करेंगे और जल धारा उत्पन्न होगी, बस क्लियर हो जाएगा। पक्षमाप गति करेंगे, जल धारा उत्पन्न होगी, ठीक है, जल धारा उत्पन्न होगी। ये उत्पन्न हुई जल धारा, फिर जैसे जैसे देखो, ये प्राणी था इस तरह का, यहां पर इसके मुख भुजाएं थी और यहां पर ये पक्षमाप थोड़े बहुत थे, ये गति कर करके जल को अंदर ले रहे थे, तो जल अंदर गया, पक्षमाप द्वारा जल गति हुई, जल अंदर जाकर किसमें गया? मुख में गया। जल किसमें गया? मुख में गया। मुख से ये जल किसमें गया? ग्रसिका में गया, ग्रसिका में गया। और ग्रसिका के बाद में ये जल किसमें गया? आमाशय में गया। देखो, इसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, तो इसको आमनाल का सिस्टम भी मान लेते हैं, ठीक है। तो पक्षमाप गति द्वारा जल धारा उत्पन्न हुई, ये जल धारा मुख के द्वारा ग्रसिका में गई और ग्रसिका से ये जल धारा आमाशय में गई। अब क्या होता है, इसमें छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं जिनको जठर कोष्ठ कहा जाता है। तो ये जल धारा किसमें पहुंचेगी? जठर कोष्ठों में पहुंचेगी। देखो प्रश्न कैसे आता है, ओरिलिया में पाए जाने, देखो दो नाल तंत्र होते हैं, दो नाल तंत्र, पहला होता है भित्ति का नाल तंत्र, पहला नाल तंत्र होता है भित्ति वाला नाल तंत्र, और भित्ति वाला नाल तंत्र किस में पाया जाता है? साइकोन में पाया जाता है। भित्तियों के अंतर्वलन व बहिर्वलन से जो
बनता है वो साइकोन में पाया जाता है। दूसरा होता है जठरवाही नाल तंत्र, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया है एक पेपर में, पीछे नीट के एग्जाम में आया था, या पता नहीं किसमें, मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। जठरवाही नाल तंत्र, जठरवाही जिसमें जठर कोष्ठ बनते हैं, गैस्ट्रोड्रम के कोष्ठ बनते हैं उसमें, तो वो पाया जाता है ओरिलिया में। ओरिलिया है जीव सिलेंट्रेंटा का, वो पाया जाता है ओरिलिया में। और एक होता है जल संवहनी तंत्र, जल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो अपने और कहीं लिख देंगे, कोई बात नहीं। एक होता है, यहां लिख रही है, बर्फ मिटा दो। एक होता है जल संवहनी तंत्र, इसको कहा जाता है वीथी तंत्र। क्या कहा जाता है? वीथी तंत्र। ये बहुत ही हिंदी का सा नाम आ जाता है, वीथी तंत्र। और ये पाया जाता है एस्टेरियोस में। और एस्टेरियोस क्या होता है बच्चों? एस्टेरियोस होता है तारा मछली, सी स्टार, तारा मछली। अब ये तीन एग्जाम्पल जो होते हैं बहुत ही इनवर्टिब्रेट के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। सबसे पहले भित्तियों के द्वारा बना हुआ नाल तंत्र किस जीवों में पाया जाता है? भित्तियों के अंतर्वलन में, बहिर्वलन से, साइकोन में। और जठर कोष्ठों से बना हुआ, गैस्ट्रिक पाउच से बना हुआ नाल तंत्र किस में पाया जाता है? ओरिलिया में। ओरिलिया है, मैं बता दूं, साइकोन जो जीव है वो है पोरीफेरा का। साइकोन जीव है पोरीफेरा का। ओरिलिया जो जीव है वो है सिलेंट्रेंटा का, ठीक है। और सी स्टार जो जीव है वो है इकाइनोडर्मेटा का, इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है। अब सुनो, देखो, तीन प्रकार का नाल तंत्र, भित्तियों वाला साइकोन में, जठर पाउच वाला किसमें? ओरिलिया में। और जल संवहनी नाल तंत्र किसमें है? एस्टेरियोस और सी स्टार में, ठीक है। दोनों एक ही प्राणी है और इनमें जल भित्ति तंत्र पाया जाता है जो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अब चलो आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है मैंने ये आपको, अपने मस्तिष्क में नोट कर ले इसको, ठीक। अब सुनो, पक्षमाप ने गति की जलधारा मुख में आई, मुख से ग्रसिका में, ग्रसिका से आमाशय में, आमाशय से जठर कोष्ठों में पहुंच गई, और जठर कोष्ठों में जिस नाल के द्वारा पहुंचती है उसको जठर नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जठर नाल। और जठर नाल के द्वारा ये जलधारा किस में पहुंच गई? जठर कोष्ठों में पहुंच गई। अब एक बात सुनो, जिस तरह हमारा दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है ना, रक्त वापस हार्ट में आता है एक बार आकर, तो वो दोहरा है। इसमें भी क्या होता है? ये नाल तंत्र दोहरा होता है, वापस आमाशय में आता है। कैसे आएगा? अब यहां से अर्य नाल में जाएगा। किसमें जाएगा? अर्य नाल में। आपको नाम याद रखने, कंटिन्यू सिस्टम, अर्य नाल से पुनः आमाशय में। अर्य नाल से ये किसमें आएगा? पुनः आमाशय में आएगा। फिर आमाशय में आने के बाद में ये इस प्राणी की मुख भुजाओं में आएगा। प्राणी की किस में आएगा? मुख भुजाओं में आएगा। फिर मुख भुजाओं से आकर ये क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यहां से ये मैटर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये है जल संवहनी तंत्र, चित्र के द्वारा बता देना इसको, चित्र छोटा सा ये बना देना, यानी कि इससे इस तरह जैसे मैंने बनाया वैसे बना लेना, या कोई और तरीके से बना लेना, जैसे आपको बढ़िया लगे ना वैसे बना लेना। पक्षमाप ने गति कई, मुख, ग्रसिका, आमाशय, जठर कोष्ठ, नाम याद रखने, कोई मोटी छोटी बात नहीं है। देखो, आमाशय तक आ गए, यहां तक तो नॉर्मल बात है। आमाशय में आने के बाद जठर पाउच में जाता है, फिर अर्य नाल में जाता है, फिर पुनः आमाशय में आता है, फिर बाहर निकल जाता है। ये है सिलेंट्रेंटा में पाया जाने वाला सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जिसमें हमने ओरिलिया का एग्जाम्पल लेकर समझा था। इसको आपको थ्योरी में लिखना है, ठीक है। ये जो तंत्र सिस्टम मैंने बनाया, इसको आपको थ्योरी में लिखना है, ठीक है। चलिए, अब गति की बात करें। गति कैसे करेगा? देखो, गति करेगा संकुचनशील गतियां, ऐसे। आप देखना, एक नेट पे सर्च मारना, एक बात जो मैं आपको बता रही हूं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, कि गति करती हुई जेलीफिश, तो आपको कैसे दिखाएगी? बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, एक जेली का सा जीव दिखाई देगा, कलर्ड होएगा, बहुत खूबसूरत होएगा। वो ऐसे गति करता है, मोमेंट करता हुआ, ऐसे ऐसे निकलता हुआ, चलता हुआ आपको जल के अंदर दिखाई देगा। तो शरीर में संकुचनशील गतियां जो है इस प्राणी में पाई जाती है, ओरिलिया में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, तो ये गति कर रहा है, इसके बीच में कोई ना कोई सिस्टम ऐसा आ गया, कॉन्ट्रेक्टाइल मोशन बिल्कुल। अब क्या होगा? कोई ना कोई सिस्टम ऐसा आ गया जिसमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अपने आप को संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित मतलब कोई चेंज आ गया, या कुछ और आ गया, या कोई पदार्थ आ गया आगे, तो उसमें उसको अपने आप को सेट करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा। इसके लिए इस प्राणी में जो संरचना पाई जाती है वो होती है
टेंटिकुलोसिस्ट, सिर्फ नाम याद रखना है। संतुलन के लिए जो अंग पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? टेंटिकुलोसिस्ट। अब एक बात बताओ, यहाँ टेंटिकुलोसिस्ट संतुलन का अंग है, अगर मैं बात करूँ प्रोन की तो उसमें संतुलन का अंग कौन सा होता है? मुझे जवाब देंगे विद्यार्थी, जल्द से जल्द कमेंट में जवाब आ जाना चाहिए कि अगर प्रोन में बात करूँ, प्रोन जो सदस्य है आर्थ्रोपोडा का, प्रोन जो आर्थ्रोपोडा का सदस्य है उसमें संतुलन के लिए जो अंग पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? बकायदा क्लास के अंदर मैंने आपको बताया उसको क्या कहा जाता है, स्टेटोसिस्ट कहा जाता है, संतुलन पुट्टियां कहा जाता है, जो प्रोन के अंदर संतुलन का काम करती है स्टेटोसिस्ट कहलाते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम इसमें हो गया। गति का भी बता दिया मैंने, जल संवहनी तंत्र का भी बता दिया। अब पोषण आपको पता है, पोषण क्या है? यही तो पोषण है, इसके द्वारा अमाशय में आ रहे ना भोजन, तो यही पोषण की विधि है। नेक्स्ट अंतर्ग्रहण की बात करें। अब देखो ये प्राणी जो आपको स्वीट सा प्यारा सा सुंदर सा दिख रहा है, इतना भी प्यारा नहीं है, ये मांस खाता है। ये क्या खाता है? मांस भी खाता है। ये क्या करेगा? छोटे छोटे क्रिस्टेशियंस होंगे या फिर कोई अन्य जलीय जीव होंगे, उनके अंडे वगैरह होंगे या कोई और सिस्टम होगा, उसको निमेटोसाइट, अपनी ये जो है इसकी मुख बुझाए, यहाँ पर एक विशिष्ट सेल्स पाई जाती है जिनको निमेटोसाइट्स कहा जाता है, इनसे ये शिकार को पकड़ेगी, मारेगी, चीरेगी, फाड़ेगी और खा लेगी। तो इस प्रकार की क्रिया किसमें पाई जाती है? ओरिलिया में पाई जाती है। इसमें शिकार को पकड़ने, चीरने, मारने, फाड़ने की क्रिया पाई जाती है और इसके द्वारा अपने शिकार को अंदर ले लेती है। बाकी आगे का सिस्टम आपको बताइए क्या होना चाहिए, यानी मुख बुझाऊ स्पर्शों से शिकार को पकड़ता है और दंश कोशिकाओं से शिकार को मारने का काम करता है। ठीक है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। और पाचन की बात करें तो अंतः कोशिकीय पाचन होता है इसमें, जठर अमाशय और जठर कोष्ठों में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो इनके पाचन, ये जो देखो भोजन यहाँ अमाशय में आ गया, जठर कोष्ठों में आ गया, यहाँ पाचन की प्रक्रिया होगी और फिर जो अपचित भोजन होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, ये सिस्टम इसके अंदर रहता है। तो पाचन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें इसमें संवेदी अंग की। नेक्स्ट किसकी बात करें? संवेदी अंग की। सर्कुलेशन ऑफ वाटर मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सर्कुलेशन ऑफ वाटर अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ सुनो, आगे मेरी बात सुनो। आगे जो मैं बात कर रही हूं वो है सेंसरी ऑर्गन। किसके सेंसरी ऑर्गन? ओरिलिया के। ओरिलिया के संवेदी अंगों की बात करूंगी और ओरिलिया के संवेदी अंगों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। हाँ मैडम, आपने बताया अभी तक टेंटिकुलोसिस्ट बताया था मैम आपने, बिल्कुल मैंने बताया था टेंटिकुलोसिस्ट, संतुलन का सेंसरी ऑर्गन ऑफ ओरिलिया टेंटिकुलोसिस्ट, बिल्कुल। तीन टाइप होते हैं, निशा कह रही है, बिल्कुल निशा सही कह रहे हो, टेंटिकुलोसिस्ट। दूसरी बात करूं मैं नेत्रक, नेत्र। तीसरी बात करूं मैं ओल्फैक्टरी पीट्स, घ्राण गर्त, ओल्फैक्टरी पीट्स, टेंटिकुलोसिस्ट और नेत्र। तीन तरह की संरचना जो होती है इस प्राणी में पाई जाती है। अब सुनो मेरी बात, टेंटिकुलोसिस्ट कितने होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। मैम जब मैंने टेंटिकुलोसिस्ट लिखा, हाँ मैम मेरी बात सुनो, जब जब मैंने टेंटिकुलोसिस्ट नाम लिखा तो मेरे लिखे हुए शब्दों में आठ अक्षर आए, बिल्कुल आठ अक्षर आए। तो अब सुनो, आठ अक्षर आए तो टेंटिकुलोसिस्ट संख्या में कितने होते हैं? आठ होते हैं और क्या करते हैं? संतुलन का काम करते हैं। ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ये होता है पढ़ने का तरीका, अपने आप को पढ़ाने का तरीका, सीखने का तरीका, समझने का तरीका और लॉन्ग टाइम तक याद रखने का तरीका। टेंटिकुलोसिस्ट आठ, जिसके आठ भाग होते हैं, यानी आठ प्रकार के होते हैं या आठ पाए जाते हैं, वो होते हैं टेंटिकुलोसिस्ट। ठीक है, इसका उद्गम जो होता है वो गैस्ट्रोडर्म से होता है। गैस्ट्रोडर्म जो गैस्ट्रिक पाउच बनाती है, उद्गम किससे होता है? गैस्ट्रोडर्म से होता है, क्लियर। चलिए नेत्र की बात करें, नेत्र, हाँ बिल्कुल मैम, जितने नेत्र मुझमें पाए जाते हैं क्या मैम उतने ही नेत्र ओरिलिया में पाए जाते हैं? बिल्कुल बच्चों, उतने ही नेत्र ओरिलिया में पाए जाते हैं। मेरे में दो नेत्र है, आप में भी दो नेत्र है, ओरिलिया में भी कितने हैं? दो नेत्र है। ठीक है, जो प्रकाश का ज्ञान करवाते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर। नेक्स्ट आती है ओल्फैक्टरी पीट्स, घ्राण गर्त। मैम मेरे में तो दो है सूंघने वाले गड्ढे,
नाक के छिद्र दो है, तो क्या मैम ओरिलिया में भी दो होते हैं? बिल्कुल दो होते हैं, ओरिलिया में भी कितने होते हैं? दो होते हैं। घ्राण गर्त कितने पाए जाते हैं? संख्या में दो होते हैं। अब ये बताओ किसका ज्ञान करवाते हैं कि मैम ये रसायनों का ज्ञान कराते हैं, सुगंध का ज्ञान कराते हैं, गंध का ज्ञान कराते हैं, या फिर मैं कह दूं रसायनों का करवाते हैं, तो कीमो रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं। बिल्कुल केमिकल्स का ज्ञान करवाते हैं, रसायन का ज्ञान करवाते हैं, कीमो रिसेप्टर कहलाते हैं। बिल्कुल निशा बात को पकड़ पा रही है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो ये होते हैं प्रो इसके ओरिलिया के संवेदी अंग जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, 8 टेंटिकुलोसिस, 2 नेत्र और 2 ऑल्फैक्टरी पीट्स। बिल्कुल क्लियर, ठीक है भाई। आगे हम बात करेंगे जनन की, आगे हम किसकी बात करेंगे? जनन की। देखो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनन आ गए कि मैम ये निशा को समस्या थी कि मैम मेरे ओरिलिया याद नहीं होता, मैम मुझे साइकोन याद नहीं होता। दो वीडियो इतनी शानदार डाली है कि एक मिनट तो नहीं लगेगी, ज्यादा कह दिया कि भाई दो वीडियो ऐसी डाली है सिर्फ इसको देखने मात्र से ओरिलिया याद हो जाएगा। हाँ भाई रोमा कुमारी, क्यों रोमा कुमारी बताओ भाई, इन बच्चों को आप प्रेजेंट हो ही गए तो बताओ क्या ओरिलिया मैंने आपको कैसा पढ़ाया था, आपको याद है या नहीं है ओरिलिया? ठीक है आप थोड़ा बहुत स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत भूल जाते हो, लेकिन ओरिलिया क्या इंटरेस्टिंग नहीं था, है ना? ओरिलिया इंटरेस्टिंग नहीं था क्या? याद नहीं रहता था क्या? याद है मैम, चलो बहुत ही बढ़िया बात, इसको ओरिलिया याद है, ओरिलिया ये बना भी सकती है कि हाँ मैडम ऐसा होता है ओरिलिया, ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल ऐसा होता है। ये बच्चे भी कहते बहुत अच्छे से करवाया, बिल्कुल इतना ही अच्छा इन्होंने किया, इनको भी बहुत शानदार से करवाया, 4-5 बार करवा दिया, अच्छा याद भी हो गया। 4-5 बार का मतलब क्लास में 2-3 बार तो बता ही दिया, आज यहाँ भी बता रही हूँ तो आपको और पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जनन की रिप्रोडक्शन की, किसमें? ओरिलिया। ये लीजिए एक ओरिलिया है, हाँ मैम ये एक ओरिलिया है, ये लीजिए एक और ओरिलिया है, ठीक। दो ओरिलिया बना दिए मैंने, एक को लाल रंग से दिखा देती हूँ, चलो ये ओरिलिया, ये ओरिलिया दोनों के दोनों कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं कि इस बात को मानते हो आप, ओरिलिया जल में रहते हैं? हाँ रहते हैं। ये लीजिए जल भरा पड़ा है और इसके अंदर ओरिलिया रहते हैं, ये जल भरा हुआ है, इसके अंदर क्या रहते हैं? दो ओरिलिया रहते हैं। अब एक ओरिलिया नर है तो दूसरा ओरिलिया मादा है। मैंने ये लाल रंग से, लाल रंग किसका फेवरेट होता है? औरतों का। ये ओरिलिया लाल रंग से इसीलिए बनाया ताकि ये मादा को इंगित करे, किसको इंगित करे? मादा को। ये मादा है, ठीक है। नर ब्लैक, ब्लैक, ठीक है, ये है नर। ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया ये क्या है? सेक्सुअल डिमोर्फिज्म प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सेक्सुअल डिमोर्फिज्म पाई जाती है रोमा कुमारी। ये नर था और ये क्या थी? मादा। देख पा रहे हो, ये नर और ये मादा, ठीक है। और ओरिलिया में नर और मादा अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल डिमोर्फिज्म पाया जाता है। नर में पाया जाता है वृषण, मादा में पाया जाता है अंडाशय। नर में पाया जाता है वृषण और मादा में पाया जाता है अंडाशय, ठीक है। नर के वृषण में क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। ये लीजिए शुक्राणु बना दूं क्या? एक मिनट, नर में बनता है शुक्राणु, ये शुक्राणु बना दिया। मादा में बनता है अंडाणु, ये मादा में बना दिया अंडाणु, अंडाणु और ये क्या है? शुक्राणु। नर में बना शुक्राणु, मादा में बना अंडाणु, ठीक है। अब सुनो, ये इतने खूबसूरत प्राणी हैं, इतने खूबसूरत प्राणी हैं, तो ये इतने खूबसूरत होने के बाद में ये बाह्य निषेचन क्यों कहेंगे? इनमें कौन सा निषेचन होता है? इनमें आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है ना। कितने सुंदर बनाए हैं मैंने, क्यों ये अपने शुक्राणु अंडाणु जल में त्यागेंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे शुक्राणु अंडाणु, क्या पता मिले ही नहीं। तो इतने सुंदर होते हैं कि ये क्या चाहते हैं कि आंतरिक निषेचन हो। तो इनमें निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन इसलिए चाहते हैं क्योंकि सुंदर सुंदर प्राणियों का विकास होता है इनसे, ठीक है। तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? आंतरिक हुआ। इनमें निषेचन कैसा हुआ? आंतरिक हुआ। देखो, बहती जल धारा के साथ बहते हुए शुक्राणु, इस नर ने अपने क्या त्याग दिए? शुक्राणु त्याग दिए। नर ने क्या कर दिए? शुक्राणु त्याग दिए। ये शुक्राणु नर ने क्या कर दिए?
त्याग दिए। नर ने अपने शुक्राणुओं को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ये शुक्राणु बहते हुए शुक्राणु मादा के जठर कोष्ठों में पहुंचते हैं। अब फर्टिलाइजेशन आंतरिक कैसे हुआ पता है, क्योंकि ये मादा के जठर कोष्ठों में, वो जलवाही नाल तंत्र आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, मुख में आया, मुख से ग्रसिका में आया, ग्रसिका से अमाश्य में आया, अमाश्य से आगे जठर कोष्ठों में गया। तो वो जठर कोष्ठ यानी कि इसमें ये तंत्र जो पाया जाता है वो भी काम करेगा फर्टिलाइजेशन में महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इसने अपने क्या त्याग दिए, शुक्राणु त्याग दिए। और ये शुक्राणु जाएगा किसमें, मादा में। ये शुक्राणु किसमें जाएगा, मादा में जाएगा। मादा के किसमें जाएगा, जठर कोष्ठों में जाएगा। किसमें जाएगा, मादा के जठर कोष्ठों में जाएगा। ये शुक्राणु बहते हुए किसमें चले गए, मादा के जठर कोष्ठों में चले गए। अब आपको पता है जब जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, जब जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से एक संरचना बनती है जिसको जाइगोट कहा जाता है। एक संरचना बनती है जिसको क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। ये शुक्राणु और अंडाणु मिल गए तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट का निर्माण हो गया। सुनो अब क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होने के बाद में इसमें परिवर्तन होता है। अब देखो परिवर्तन कैसा होगा, ये जाइगोट बना है जठर कोष्ठों में, ध्यान रखना किसमें बना है, जठर कोष्ठों में। हाँ, जाइगोट की फॉर्मेशन हो। अब ये जठर कोष्ठ, ये मादा इसके जठर कोष्ठों में, ये जाइगोट है, ये मादा में जाइगोट है, जठर कोष्ठों में बना। ये मादा अपने जल के साथ इसको त्याग देगी और ये जाइगोट यहाँ आकर चिपक जाएगा मुख भुजाओं के पास। ठीक है, परिवर्तन मुख भुजाओं के पास होगा। ये जाइगोट कहाँ आ गया, मादा की मुख भुजाओं के समीप। पूरा याद करवा दूंगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जाइगोट आकर कहाँ चिपक गया, मादा की मुख भुजाओं के समीप चिपक गया। ठीक है, चिपक गया। अब देखो आगे का परिवर्तन यही होएगा, आगे का परिवर्तन कहाँ होगा, यही होएगा। क्या होगा, अब यहाँ चिपक कर ये क्या बना लेता है, एक कोष्ठ बना लेता है। मुख भुजाओं के पास चिपक कर एक कोष्ठ बना लेता है। अब देखो सबसे पहले नर ने अपने शुक्राणु त्यागे, शुक्राणु जल के साथ बहते हुए मादा के जठर कोष्ठों में पहुंच गए। जठर कोष्ठों में पहुंचने के बाद में जाइगोट बन गया और ये जाइगोट निकलकर बाहर मादा के मुख भुजाओं के पास चिपक गया। अब ये चिपकने के बाद में कहीं बाहर गिर ना जाए, जल की धाराओं के साथ बह ना जाए, तो इसलिए हर जीव में पैतृक संरक्षण की भावना पाई जाती है। तो ये जीव अपने अंडों को, अपने निषेचित अंडों को या अपने युग्मनज को सुरक्षित करने के लिए कोष्ठ बना लेगा मुख भुजाओं के समीप। ठीक है, मुख कोष्ठ बन जाएगा यहाँ पर, जिसके अंदर युग्मनज क्या है, चिपका हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, अब परिवर्तन होता है, अब होता है परिवर्तन जो यही होएगा। और ये परिवर्तन तब तक होएगा जब तक प्लेनुला लार्वा नहीं बन जाता, ध्यान रखना। ओरिलिया में जो लार्वा बनता है उसको प्लेनुला लार्वा कहा जाता है। पहला और महत्वपूर्ण लार्वा जो होता है वो कौन सा होता है, प्लेनुला लार्वा होता है, प्लेनुला लार्वा। ठीक है, अब जब तक प्लेनुला लार्वा नहीं बन जाता परिवर्तन यही होएगा। परिवर्तन कहाँ होएगा, यही होएगा। अब सुनो क्या होएगा, अब विदलन होएगा। विदलन होता है, मैंने बताया विदलन होएगा। क्या मैडम, विदलन समान पूर्णभंजी होएगा। मैडम आपने साइकोन में बताया था कि साइकोन में समान पूर्णभंजी विदलन होता है, लेकिन ओरिलिया में असमान पूर्णभंजी विदलन होता है, अनइक्वल होलोब्लास्टिक, असमान पूर्णभंजी विदलन होएगा। कौन सा विदलन होएगा, असमान पूर्णभंजी विदलन होएगा। किसमें, इसमें ओरिलिया में, और साइकोन में समान पूर्णभंजी, अनइक्वल होलोब्लास्टिक विदलन होएगा, असमान पूर्णभंजी, बार बार विदलन होएगा, बार बार विदलन की परिघटना होएगी, जिससे क्या होएगी, एक ठोस गेंद के नुमा संरचना बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में उसमें गुहा बन जाएगी, फिर कोरक का निर्माण हो जाएगा। अब आपको पता है देखो हर जीव के परिवर्तन की परिघटना होती है कि वो युग्मनज बनाता है। हाँ बिल्कुल, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है रीति का। क्या होता है कि हर जीव के जीवन की घटना होती है कि वो पहले युग्मनज बनाता है, युग्मनज के बाद में वो क्लीवेज करता है, विदलन करता है, विदलन होने के बाद में वो क्या कराता है, ब्लास्टुलेशन करता है, कोरक बनाता है। अब यहाँ पर क्या बन गया, कोरक बन गया, यानी कि पहले ठोस गेंद के समान संरचना बनी और फिर खोखली गेंद के समान संरचना बन गई, बीच में कोरक गुहा बन गई। अब किसका निर्माण हो गया, कोरक का निर्माण हो गया। अब कोरक के निर्माण के बाद में गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, किसका,
गैस्ट्रुला। देखो जब कोरक बन जाता है तो दो चरम का निर्माण, अगर तीन चरम का होता है तो वो तो हाई लेवल के जीव हो गए, एंडोड्रम एक्टोड्रम और मिजोड्रम तीनों बनती है तो वो तो जीव कैसे हो गए, वो तो जीव हो गए त्रिजन स्तरीय, ये होता है द्विजन स्तरीय, तो दो ही बनेगी इसमें, एक्टोड्रम एंडोड्रम का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसमें गैस्ट्रुला बन आएगा, द्विस्तरीय गैस्ट्रुला का निर्माण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विस्तरीय गैस्ट्रुला का निर्माण हो जाएगा। अब क्या हो जाता है, गैस्ट्रुला एक आधार से चिपक कर अपनी, सॉरी अभी आधार से नहीं चिपकेगा, अभी तो अपनी लंबाई को इंक्रीज करेगा और लार्वा बनाएगा प्लेनुला लार्वा, क्या बनाएगा प्लेनुला लार्वा, दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, अभी दिख रहा है, हाँ मैम दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब क्या है, एक लार्वा बनेगा जिसको कहेंगे प्लेनुला लार्वा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आकार को इंक्रीज करता है और लार्वा बनता है प्लेनुला लार्वा। अब प्लेनुला लार्वा बनने के बाद में ये यहां से निकल जाता है, इस पाउच से निकल जाता है क्योंकि ये गति करने के लायक हो जाता है, ठीक है। प्लेनुला लार्वा यहां से निकलने के बाद में ये क्या करता है, एक आधार से चिपकता है और अपने साइज को इंक्रीज वगैरह करके दूसरा लार्वा बनाता है जिसको कहा जाता है स्काई फिशटोमा, दूसरा लार्वा बनाता है जिसका नाम क्या है स्काईफिशटोमा। अब इस दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं सुनो मेरी बात, प्लेनुला लार्वा अच्छी तरह से बन जाने के बाद अपने मात्र शरीर से ये जीव बाहर आ जाता है, प्लेनुला लार्वा बाहर आ जाता है और आगे स्काईफिशटोमा का निर्माण करता है, ठीक है। सबसे पहले जो ये प्लेनुला, आपको बताऊं एक चीज बात कि प्लेनुला लार्वा जो है स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा है, जब ये कोष्ठों से बाहर निकलता है तो ये तैरने लग जाता है, तैरने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं पक्षमाप पाए जाते हैं, तैरने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं पक्षमाप पाए जाते हैं। अब क्या है, इसको स्काईफिशटोमा बनाना है और इसको एक आधार से पहले चिपकना है तो इसको गति नहीं करनी, गति नहीं करनी तो सबसे पहले इसके सीरिया नष्ट होंगे, सबसे पहले क्या होते हैं इसके पक्षमाप नष्ट हो जाते हैं, फिर ये आधार से चिपक जाता है, फिर इसमें मुख भुजाओं का और मुख स्पर्शक का निर्माण होने लगता है, कुछ कुछ ऐसा ये होने लगता है, और जब जब ये ऐसा होने लगता है तो आपको पता है किसका निर्माण होने लगता है, ओरिलिया का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या है, ये ऐसा बनने से पहले एक लार्वा बनाएगा, स्काईफिशटोमा बनने से पहले ये एक तस्तरी नुमा संरचना सी बनाएगा, इस तरह भुजाओं वाली तस्तरिया सी बना देगा, और इसको कहा जाता है एफाइरा, क्या कहा जाता है एफाइरा, एफाइरा। और एफाइरा एक छोटी छोटी संरचना होती है, बहुत सारी एक सेट 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 में स्थित होती है, ऐसे लगता है कि जैसे ये बहुत सारे एक के ऊपर एक तस्तरियां रखी हो। स्काईफिशटोमा में ही ऐसा होता है कि इसको अलग अलग देखने वाली स्टेज आ जाती है, पहले प्लेनुला स्काईफिशटोमा में कन्वर्ट होता है, फिर क्या करता है एक पहचान होने लग जाती है कि बहुत सारी तस्तरियां सी है, उस एक तस्तरी को क्या कहा जाता है एफाइरा कहा जाता है, उस एक तस्तरी को क्या कहा जाता है एफाइरा कहा जाता है। अब एफाइरा क्या करता है कायांतरण करता है और कायांतरण से ऐसा ओरिलिया बन जाता है, कायांतरण से क्या बन जाता है एक वेल डेवलप ओरिलिया बन जाता है। वेल डेवलप ओरिलिया बनने में क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है थोड़ा बहुत, जिसमें मुख स्पर्शक मुख भुजाएं आमाशय अरिय नाल जठरीय कोष्ठ बहुत सारे जो जो जरूरी तंतु है वो सारे बन जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक से कितने, एक स्काईफिशटोमा में कितने एफाइरा होते हैं वो बात बताना। प्रसंस्करण का एक प्रश्न आता है, स्ट्रोबिलेशन क्या है, प्रसंस्करण क्या है, प्रसंस्करण यही है कि एक स्काईफिशटोमा में बहुत सारे एफाइरा पाए जाते हैं, वही गपरी घटना क्या है प्रसंस्करण वाली है, स्काईफिशटोमा में प्रसंस्करण पाया जाता है, ठीक है ना। स्काईफिशटोमा बन जाने के बाद यह आकार में वृद्धि करता है और विभाजन करता है, जिसे क्या कहा जाता है स्काईफिशटोमा में प्रसंस्करण कहा जाता है, ठीक है। इस तरह एक पूरे जीव का निर्माण हो जाता है जिसको क्या कहा जाता है ओरिलिया कहा जाता है। मैं एक बहुत ही सरल भाषा में मैं इसके जीवन चक्र को लिख देती हूँ ताकि आपके सारा सिस्टम एक बार क्लियर हो जाए। दोबारा सुनो, एक बार रिविजन कर लेते हैं हम सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, एक बार रिविजन कर लेते हैं। नर मादा, नर शुक्राणु, मादा अंडाणु, ये इसके पास गया जठर कोष्ठ निषेचन जाइगोट मुख भुजा के समीप कोष्ठ में, मुख भुजा के समीप कोष्ठ में आकर चिपक जाएंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, ये यहां पर वृद्धि करके प्लेनुला बनाएंगे,
क्या बनाएंगे? प्लेनुला। प्लेनुला जल में स्वतंत्र पक्षमापों से तैरता रहेगा। प्लेनुला से बनेगा स्काइफिस्टोमा, और स्काइफिस्टोमा में कई एफाइरा होते हैं। ऐसे लगता है स्काइफिस्टोमा एक गुच्छा सा है बहुत सारे तस्त्रियों का, कुछ एक तस्त्री को एफाइरा कहा जाता है। ये एफाइरा कायांतरण करके ओरिलिया बनाता है। ये एफाइरा क्या करता है? कायांतरण करके ओरिलिया का निर्माण करता है। इस तरह एक ओरिलिया का निर्माण होता है। अब ये ओरिलिया वाला टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ, एक प्रश्न हो रहा था इसमें निकल गए कि ओरिलिया में पीढ़ी एकांतरण को समझाएं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, तो सुनो। ओरिलिया के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती है, एक तो अलैंगिक अवस्था और दूसरी क्या होती है? लैंगिक अवस्था। ठीक है, पॉलिप तथा मेड्यूसा दो रूप पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा दो रूप पाए जाते हैं। ओरिलिया में पॉलिप तथा मेड्यूसा दो रूप पाए जाते हैं। दोनों अवस्थाएं अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाती है। ठीक है, मेड्यूसा की बात करें तो ये सेक्सुअल अवस्था को दर्शाती है और ये एसेक्सुअल को दर्शाती है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात। मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है जिसके द्वारा लैंगिक रूपों का दर्शाव होता है और इनसे क्या होते हैं? युग्मक बनते हैं। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन ओरिलिया, वेरी गुड। ठीक है, इनमें क्या होता है? थोड़ा सा चेंजेस होता है जिसके अंदर वृषण और अंडाशय में क्या बनते हैं? शुक्राणु और अंडाणु जैसी संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें स्काइफिस्टोमा की बात करें तो वो अलैंगिक अवस्था को दर्शाता है जिसे एफाइरा करेगा। ज्यादा मोटा मोटी कहानी क्या है? पोलिप और मेड्यूसा की है। ज्यादा बड़ी बड़ी कहानी क्या है? पोलिप और मेड्यूसा की है, जिसमें आपको याद रखना है कि जो ओरिलिया होता है इसमें पोलिप तथा मेड्यूसा अवस्था एक कर्म के अंदर आती है और इस कर्म का पाया जाना है इसमें क्या है? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है। बाकी आप इसको किताब से एक बार बेहतर तरीके से पढ़ लें, सारी चीजें आपके क्लियर समझ में आ जाएगी। इस तरह जो होता है सिलेंट्रेंटा और साइकोन के जीव जो होते हैं, सिलेंट्रेंटा का जीव जो है ओरिलिया और पोरीफेरा का जीव जो होता है वो साइकोन कंप्लीट होता है, जिसको मैंने डिटेल में समझा दिया। साइकोन की अलग वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जो विद्यार्थी बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए है उसको बढ़िया तरीके से देख ले दोनों, एक यूनिट तीसरी यूनिट के टॉपिक है जो आपके बेहतर तरीके से कंप्लीट होते हैं। मैंने पूर्णतः एफर्ट लगा के आपको करवाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बने रहने के लिए धन्यवाद। जो भी जो विद्यार्थी बने रहे हैं कमेंट करके बताएं कौन कौन विद्यार्थी प्रेजेंट थे। ठीक है, लगभग सारे प्रेजेंट थे, आपको बने रहने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं टेस्ट के साथ। और बाकी विद्यार्थी अगर एमजीएसयू की परीक्षाओं के समय ये वीडियो देखते हैं तो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और देखते रहें, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद। हाँ, लगन शर्मा, निशा, सभी विद्यार्थी जो प्रेजेंट थे सभी का धन्यवाद। आरती।